नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया 24 न्यूज। आज बटाला के विधायक और अकाली दल के नेता सरदार लखविंदर सिंह लोधी नंगल अपने साथियों के साथ एसडीएम बटाला बलविंदर सिंह के दफ्तर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जो राशन सरकार की तरफ से आ रहा है वह राजनीतिक पार्टियों द्वारा बांट दिया जा रहा है, बल्कि वो यह नहीं सोच रहे कि यह राशन जरूरतमंदों को मिलना चाहिए। उन्होंने मीडिया से बात करके यह बताया कि एसडीएम बलविंदर सिंह ने इसके बारे में बात की और उन्होंने विश्वास दिलाया कि इस बात पर वह ध्यान देंगे। लोधी नंगल ने लोगों को मुंह से मास्क को ढकने, हाथों को अच्छी तरह साफ रखने को कहा ताकि इस बीमारी को जल्द से जल्द हराया जा सके। रिपोर्टर अमित नाहर के साथ ऑल इंडिया 24 न्यूज। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस करके हुए हाँ कि शहर के बहुत वड्डिया कंप्लेटा सी पिंडा में, तो चलो हाल ही कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन वालों प्रबंध होया ही नहीं गा, पर दुख की गल ये कि जेड़ा थोड़ा बहुत एसडीएम साहब ने दसिया कि 500 पैकेट सिर्फ राशन आए थे एक एक हल्के के, और 500 पैकेट के नाल तुसीं हिसाब लाउणे आ कि एक बस्ती एक वार्ड जिहड़ी आ उह वी नहीं भुगतदी। सरकार चर्चे तो बहुत वड्डे करदी आ पर गल्लां बातां ना करदी आ, प्रैक्टिकल आपां नूं कोई गल जिहड़ी आ लभ नहीं रही है। तुहाडे सामने रूबरू एसडीएम साहब नाल गल होई, उहनां सारियां गल्लां आप वी तसलीम कीतियां ने, और सिर्फ इत्थे प्रॉब्लम आ सारे साडे चुणे होए शहर दे नुमाइंदे इस वेले लागे तुहाडे खड़े ने, और असीं कदी डिस्टर्ब नहीं कीता। साडी पूरी दी पूरी कोऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन नूं असीं इहनां नूं इनकरेज करदे आ और कंस्ट्रक्टिव गल दसदे आ। असीं इहनां नूं पहलां वी कहा सी कि जिहड़ा कोई चंद कांग्रेस के बंदे जिन्हों अज के हालात के कोई ऐसी गल पार्टीबाजी जात पात धर्म की नहीं सोचनी चाहिए, वो लोग अज भी उन्होंने गलों के मसरूफ ने और वो समझते भी असी खरे ये राशन जोड़ा वंट के ये गांह आने वाली इलैक्शन लड़नी है। पहला तो है भी सारा संसार जिंदा रहूगा, आवाम जिंदा रहूगा, व्याम बचूगा, तदे गांह अगले इलैक्शन दल सोचिया जासी गल अच सोचने का समा नहीं। पर साडे जो नोटिस आया सी साडे शहर दे विच बहुत वड्डी इस गल दी प्रॉब्लम सी कि BLEO ने घरे बह के किसी कांग्रेसी वर्कर दे आके वीआं पंजीआं बंदिआं दे नां लिख के घलाते, जिन्हां नूं जरूरत भी नहीं उन्हां दे घर राशन दे आए नहीं दे आए गल वखरी आ, पर ओरिजिनल लोकां नूं इस गल दा गिला शिकवा आया कि यार जिहड़े बंदे असीं घर भुखे मर रहे हां, दिहाड़ीदार आ, कोई रिक्शा चलाउंदा सी, कोई लेबर दा काम करदा सी, जिन्हां नूं काम नहीं मिल रिहा, और जिहड़े ईवन कई फैक्ट्रियां बंद होण करके घर बैठे ने दुखी ने, उन्हां लोकां दे बच्चे भुख दे नाल मर रहे ने, उन्हां बंदिआं नूं चाहीदा सी, क्योंकि दरअसल जिहड़ी बीमारी आ उहदे वास्ते सोचना ते बाद दी गल आ गई उन्हां वास्ते, क्योंकि बाबे फरीद ने भी कहा फरीदा मौतों भुख बुरी, राती सुत्ते खाए के दिने फिर खड़ी। इस करके इहदे वास्ते सरकार सारा कुछ करना मैं समझना संभव आ, पर साडियां सारियां ही NGO साडी श्रोमणी कमेटी जिहड़ी आ रोज़ 2-3-4 हज़ार बंदे का लंगर पका के सारे स्लम एरिए वरता रही आ। साडे NGO साडे प्रधान होनी साडे MC साहबान सारे अपने कोलों एफर्ट्स करके कोई असी अपना रल मिल के शेयर पा के जिन्ना भी हो सकता असी कर रहे हैं, पर असी अज इस करके हाजिर हुए सी कि यह जिहड़ी गल हो रही आ ये गलत हो रही आ। सरकार दे कोल पूरियां कंप्लीट लिस्टां ने वीकर सैक्शन दियां, जिन्हां दियां पेंशनां लगियां ने, जिहड़े हैंडीकैप ने, जिहड़े विधवा ने, उन्हां दीआं लिस्टां होर कितों लैण दी जरूरत नहीं, उह लिस्टां सरकार दे कोल ने, उत्थों नैट तों लिस्टां चक के उन्हां दे हिसाब नाल वीकर सैक्शन नूं ये जिहड़ी हैगी आ डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहीदी आ, तां कि असली बंदिआं कोल बहुत वड्डा पक्षपात हो रिहा, और दवाई दवाई हो रही आ, 2-3 बंदे बहिंदे ने झोले भर के लै जांदे आ, बोरियां भर के, उह पता नहीं किन्ना किन्ना नूं दे रहे आ। इस गल दा मैं नहीं आ, सारी मेरी हल्के दी टीम जिहड़ी आ तुहाडे सामणे खड़ी आ, वाह वाह कर रही आ। सो बेनती करने वास्ते आए सर, चलो उन्हें विश्वास दवाया कि राशन थोड़ा आया सी, वो 2-3 वाडा जी वंडिया गया, हुण होर आऊगा सारिआं दे, असीं कहिंदे जिन्ना भी आ सारिआं नूं वंड वरत के, जे कोई थोड़ा आया तो थोड़ा थोड़ा आपां वरत लईए, बाकी असीं कोलों पा लईए, जिहदे नाल साडा काम जिहड़ा आ सारिआं दा सर जावे। जे भिन्न भेद आउणगे आवाम 'च हफड़ा दफड़ी बचूगी, करफ्यू दी उलंघना होगी, DC साहब ने जो हदायतां दित्तियां ने सारे मास्क ला के फिरो, आपां अपना बचाव करांगे, अपना बचाव नाल आवाम दा बचाव आ, ये सब तो बड़ा जरूरी आ। दूसरी मैं शहर वासियों को बेनती करना चाहना, पिंडा दे विच असी हालत संभाली आ, काफ़ी साढ़े लोग अपने पिंडा दे गुरुद्वारा विच लंगर ला के गरीबों की सेवा विच जुटे ने, गांह सीजन आ रहा वाढ़ी दा, उहदे वास्ते बड़ियां समस्यावां होर पैदा होणियां ने, पर मैं शहर वाले वीरां नूं बेनती करांगा दाल रोटी खाण, सब्जियां दे चक्कर 'च बहुता ना पैण, जे सब्जी लैंदे भी ने
ਤੇ ਲੈ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਰੱਖਣ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜਰਾਸੀਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜਰਾਸੀਮ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਆ ਕਾਰਡ ਕੂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਫਰੈਸ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ, ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਛੇਤੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਭਿੰਨ ਭੇਤ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਏ ਸਾਂ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੱਖਪਾਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚ